हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सूपी नूडल्स और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सूपी नूडल्स बनाने की निंजा टेक्निक। तो आइए देख लेते हैं कि हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हमें चाहिए नूडल्स, नूडल्स आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा वेजिटेबल्स में आप अपनी इच्छा से जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। सभी सब्जियों को आप अच्छे से बारीक काट लीजिए। मसालों में हमें थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच नमक, एक चम्मच काली मिर्ची, नींबू का रस और ऑयल, राई, थोड़ी सी हींग और ऐसे 1.5 कप पानी हमें चाहिए होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डालते हैं। ऑयल को गरम होने देते हैं। अब हम इसमें राई के दाने ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें हींग ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/6 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसमें अदरक जो हमने ग्रेट कर ली थी, हरी मिर्ची और पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हैं। आपको सब्जियों को लो फ्लेम पे सॉटे करना है, यानी कि अच्छे से आपको मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा देरी में नहीं पकाना है क्योंकि सूप में जो नूडल्स का हम सूप बना रहे हैं उसमें इनका क्रंची टेस्ट आना चाहिए। टमाटो को हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि टमाटो जो है वो जल्दी से पक जाता है, इसलिए हम उसे बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देते हैं। अब हमें 5 मिनट के लिए पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1 चम्मच काली मिर्ची टमाटो जो हमने रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें टेस्ट मेकर ऐड कर देते हैं और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें नूडल्स को ब्रेक करके डाल देते हैं। और साथ में नींबू का रस भी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए। और इसे मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देते हैं। आप करछी को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें और नूडल्स को अच्छे से बॉईल होने दें। हमारा सूपी नूडल्स बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। हम एक इसे बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है और हमारा सूपी नूडल्स बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि कितना लाजवाब बना है। हम इस पे धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर देते हैं। हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।